गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह आपका सक्सेस मन चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। तो आज मैं आप लोगों की डिमांड पे, आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 4 के साथ 3 और 2 भी शुरू किया जाए, तो आज मैं यूपी पीसीएस यूपीएससी मेंस दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। यूपी पीसीएस में बस यूपी का कंटेंट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो वो हम यूपी पीसीएस में अलग से कर लेंगे। मैं साथ के साथ आपको बताती रहूँगी कि कौन सा सिलेबस यूपीएससी का है, कौन सा सिलेबस यूपी पीसीएस का है, और हम किस टॉपिक में बात कर रहे हैं और कौन से सिलेबस से ये रिलेटेड है। तो आज मैं बात करूँगी आपसे जनरल स्टडी पेपर 2 की, क्योंकि जो जनरल स्टडी पेपर 1 चल रहा है और पेपर 4 चल रहा है वो तो एज इट इज़ चलता रहेगा। प्लस मैं डे वाइज अब पेपर 3 और पेपर 2 के भी जो मेन टॉपिक्स हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर वे में हम पूरी प्रिपरेशन यहाँ मेंस की करेंगे और हिंदी में करेंगे एक्चुअली, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी सीरीज़ मैंने भी देखी हैं, बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं, PDF देखे हैं, बट हिंदी के लिए बहुत ही कम मटीरियल मिल पाता है। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा फेस की है प्रॉब्लम, मेंस दिया था जब भी, इंटरव्यू तक भी पहुंची हूँ, बस अनलकी सेलेक्ट नहीं हो पाई अभी तक। बट कोशिश जारी है, आगे भी आप लोगों के साथ तैयारी ऐसे ही करती रहूँगी और आप लोगों को करवाती रहूँगी, खुद की भी तैयारी मेरी होती रहेगी। तो चलिए देखते हैं जनरल स्टडी पेपर 2 की क्या सिलेबस है, हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, और आगे मैं इसका डे वाइज पेपर 1, 2, 3, 4 डे हम लोग इसमें डिसाइड कर लेंगे कौन से दिन क्या पढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना सिलेबस यहाँ कंप्लीट करेंगे। और जब सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा तो साथ के साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी आंसर राइटिंग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस के बारे में देखना। तो सबसे पहले देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इवेल्युएशन फीचर्स हिस्टोरिकल अंडर प्लानिंग सिग्निफिकेंस प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द इवेल्युएशन ऑफ बेसिक प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार विकास विशेषताएं संशोधन महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालयों की भूमिका, ये सारा जो हमारा ये मेन टॉपिक है और ये जो हम लोग आज तक पढ़ते हुए आए हैं 6 से लेकर 12 तक, ये वो ओवरऑल ये चीज़ है। तो ये अगर आप लोगों की नॉलेज अच्छी है, आप लोगों को बेसिक आता है, तो ये आप NCERT की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लक्ष्मीकांत उठा सकते हैं। बट अगर आपको ये नहीं पता सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, उसकी पावर्स क्या होती हैं और कितने जजेस होते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसके लिए आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी। और मेनली आप 8th to 12th NCERT पढ़े, 6th, 7th आप स्किप यहाँ पे कर सकते हैं। ये मैं उसके लिए बता रही हूँ जो अपने आप यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं और कैसे करें समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। बट मैं ऐसे ही पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ऐसे लेके पूरा मैं सिलेबस यहाँ कंप्लीट कराऊंगी। और UPSC और UPPCS दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम करेंगे केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका, मतलब कि रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। अब यहाँ पे वित्त आयोग की भूमिका के साथ साथ हमें इस पॉइंट में ये भी देखना पड़ेगा कि केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध होते क्या हैं, किस किस क्षेत्र में इनके वित्तीय संबंध होते हैं, तो ये सारा हमें ओवरऑल लक्ष्मीकांत की बुक में बहुत अच्छे से यहाँ मिल जाएगा। और आप इसके लिए जो आर्टिकल्स आते हैं वो आप पढ़ सकते हैं, हिंदू मैगजीन में काफ़ी आर्टिकल्स आते हैं, तो उसको भी रेफर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस फेस्ड देयर इन। तो ये पूरा हमारा जो संघ और राज्य के कार्य उत्तरदायित्व ये सारा हमें करना है, ये इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से प्रॉपर दिया हुआ है। नेक्स्ट 4th पॉइंट हमें करना है शक्तियों का पृथकीकरण, विवाद निवारण तंत्र संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय और उनका प्रयोग। तो ये भी हमें लक्ष्मीकांत में एज इट इज़ बहुत अच्छे से मिल जाएगा। चलिए 5th पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों से तुलना, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विथ ओवर मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो ये हमें मिलेगा
मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की वेबसाइट पे और करंट अफेयर्स से ये हमें यहाँ से लेना पड़ेगा। बाकी ये जो टॉपिक है ये मैं प्रॉपर आपको एक एक टेबल बना के तुलना हम कैसे किस आधार पे कर सकते हैं ये प्रॉपर मैं आपको कराऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि संसद एवं राज्य विधायिका संरचना संगठन और कार्य संचालन शक्तियों एवं विशेषाधिकार तथा संबंधित विषय, ये भी आपको लक्ष्मीकांत भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका संरचना संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में भूमिका, जनहितवाद PLI, मतलब कि यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो ये आपको इंडियन पॉलिटी में मिलेगा लक्ष्मीकांत की जो है। और करंट अफेयर्स भी आप तैयार कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की यहाँ पर वेबसाइट से आप ये पूरा प्रॉपर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता, मुख्य विशेषताएं, तो ये मैं आपको प्रॉपर अपनी तरफ से ये प्रॉपर ये कराऊंगी, तो इसके लिए कहीं भी बहुत ज़्यादा भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे इसमें विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियाँ, कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व, अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शन एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी भारतीय राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत में मिलेगा। यहाँ पर हम राष्ट्रपति की बात करेंगे, प्रधानमंत्री की बात करेंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री की बात करेंगे, तो ये सारा इसके अंदर इंक्लूड होगा। 10th पॉइंट है सरकारी नीति और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय और सूचना संचार प्रौद्योगिकी ICT, तो ये करेंगे। इंटरनेट से पूरा सिलेबस आप लोग देख सकते हो, करंट अफेयर्स से, करंट अफेयर तो आपको 2 साल के प्रॉपर अगर मेंस की आपको तैयारी करनी है, देना है मेंस का एग्ज़ाम, तो प्रॉपर 2 साल के करंट अफेयर, और मेरी जो करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है उसमें मैं डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर भी बताती हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो मेंस के लिए, और मिनिस्टर की वेबसाइट भी आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैचुरी रेगुलेटरी एंड वेरियस कॉशी जुडिशियल बॉडीज इंक्लूडिंग नीति आयोग, फीचर्स एंड फंक्शनिंग, संविधान विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं और उनका कार्यभार, ये प्रॉपर आपको लक्ष्मीकांत में अच्छे से मिल जाएगा। पुराने लक्ष्मीकांत में नीति आयोग नहीं मिलेगा, अब जो न्यू एडिशन आया उसमें मिल जाएगा आपको। 12th पॉइंट है विकास प्रक्रियाएं, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह एवं संघ, अभिदाता सहायता संस्थाएं, संस्थागत और अन्य अंशधारक, इसके लिए आपको मैगजीन्स जो आती हैं कुरुक्षेत्र योजना वो देख सकते हैं, गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट टाइम टाइम से छपती रहती है, दृष्टि के नोट्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसमें केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा, बेहतरी और के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकाय। अब अति संवेदनशील वर्ग यहाँ पे हम SC ST OBC यहाँ पर ये ले सकते हैं। इसमें करंट अफेयर के थ्रू और जितनी भी योजनाएं हैं वो आप तैयार करेंगे, मैं इसको साथ के साथ आपको कराती रहूंगी, प्लस इंडिया जो ईयर बुक आती है वो, लेकिन ये 2018 यहाँ गलती से हो गया है, यहाँ आप 2019-20 की जो लेटेस्ट आई हुई है उसको आप यहाँ कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इश्यूज़ रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विस रिलेटेड टू हेल्थ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, तो ये करंट अफेयर से करोगे, इंडिया ईयर बुक से करोगे और इंटरनेट से ये तैयार करेंगे आप लोग। नेक्स्ट इशू रिलेटेड टू पावर्टी एंड हंगर, देयर इम्प्लीकेशन ऑन बॉडी पॉलिटिक्स, तो गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ, तो ये करंट अफेयर्स, इंडिया ईयरबुक और इंटरनेट। इंडिया ईयरबुक यहाँ 2018 हर जगह मिसप्रिंट है, तो इसको आप करेक्ट करेंगे, और इसका जो कॉन्सेप्ट है जैसे गरीबी और भूख से संबंधित जो विषय हैं ये आपको रमेश सिंह में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष,
ई गवर्नेंस अनुप्रयोग मॉडल सफलताएं सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर पारदर्शिता जवाबदेही और संस्थागत व अन्य उपाय, ये आप लोगों को पूरा करंट, ये प्रॉपर पेपर 4 जीएस पेपर 4 जो हमारा एथिक्स का पेपर है उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो इसको हम पॉलिटी से जोड़ के करेंगे, तो ये आप करंट अफेयर से करेंगे, इंडिया ईयर बुक से और इंटरनेट से काफ़ी सोर्सेज, क्योंकि इसका प्रॉपर एक जगह से सोर्स आपको नहीं मिलेगा। बट एथिक्स में जो भी मैं कराऊंगी उसको मैं पॉलिटी से यहाँ ऐड कर दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा, वही आपको यहाँ पर करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संबंध में सिविल सेवाओं की भूमिका, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन द डेमोक्रेसी इन कंटेंट्स ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो ये जो प्रॉपर टॉपिक है ये भी आपका एथिक्स का ही टॉपिक है जो पॉलिटी में ऐड किया गया है, तो ये भी आप इंटरनेट से करेंगे। और थोड़ा बहुत जो सिविल सर्विसेज की, मतलब कि उनका चयन कैसे होता है, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, तो इसके बारे में जो मेन इसका बेसिक नॉलेज है वो लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी से आप लोग लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं भारत एवं अपने पड़ोसी देश से उनके संबंध, ये तो नॉर्मल करंट अफेयर ही आप देखोगे तो आपका पता चलेगा कि करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ये इंटरनेट से और बाकी चीज़ों से आप यहाँ पर करंट का ऐड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, मतलब कि बेसिक फ्रॉम इंटरनेट न्यू ग्रुप्स एंड एग्रीमेंट्स, तो ये हम लोग करेंगे यहाँ पर इंटरनेट से लेंगे, जो नए नए ग्रुप्स बने हैं G7 G8 और इन सब से जो जो एग्रीमेंट्स हुए हैं भारत के साथ मेनली यहाँ करना है, बाकी लोगों के साथ नहीं करना, वर्ल्ड बैंक के साथ और ब्रिक्स के साथ, तो इन सब के हमें यहाँ पर मेन नोट्स काम आएंगे। नेक्स्ट भारत के हितों और अप्रवासी भारतीयों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव, ये आप इंटरनेट और करंट अफेयर से बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट बात किया जाता है यहाँ पे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंचों की संरचना, अधिदेश और उनके कार्यभाग, तो इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत में मिलेगा। प्लस अगर इसकी आप मेन स्ट्रक्चर देखो कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, ब्रिक्स हो गया, यहाँ पे IMF हो गया, तो ये सारे कैसे बने हैं, इनकी संरचना कब हुई, कितने सदस्य होते हैं, तो ये आप लूशेंट में जो पीछे आपको पूरा चैप्टर प्रॉपर दिया हुआ है उसमें से आप यहाँ पर देख के कर सकते हो, प्लस इंटरनेट से भी आप इसके सोर्सेज देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो UPPCS का एग्ज़ाम देंगे उसके लिए, तो उनके उत्तर प्रदेश के राजनीतिक प्रशासनिक और राजस्व न्यायिक व्यवस्थाओं के विशिष्ट जानकारी, ये यूपी की आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसमें से करेंगे, और यूपी के जो वेरियस मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट हैं इंटरनेट्स उससे लेके करेंगे। अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो मैं पर्टिकुलर बुक भी बता दूंगी कि आप उस बुक से ये पर्टिकुलर यूपी का कंटेंट कर सकते हैं। बाकी हम लोग करेंगे जब प्रॉपर ये टॉपिक, तो ये सारे टॉपिक गो थ्रू यहाँ पे करेंगे हम लोग। इसमें नेक्स्ट है क्षेत्रीय प्रांतीय राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम, तो ये तो आपको करंट अफेयर से ही सारे करने पड़ेंगे। ये जो दो टॉपिक है 22 और 23, ये दोनों UPSC के सिलेबस में नहीं है, तो आप किसी मैगजीन से कर सकते हो, कोई आर्टिकल इसमें देख सकते हो, और जो कि मैंने बताया यूपी से एक रिलेटेड जो बुक आती है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आज हमने पेपर 2 GS का जो पूरा डिस्कस किया, आप कल से या परसों से जैसे भी मेरा शेड्यूल तैयार होता है मैं उसी के हिसाब से आपको डे बाई डे आपको पॉलिटी की जो पूरा स्ट्रक्चर है इसकी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाना शुरू कर दूंगी। तो हमारा GS 1, 2, 3, 4 अब कॉन्टिन्यूसली चारों टॉपिक हमारे यहाँ कवर होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी नॉलेज जो भी आप लोगों को मिल रही है वो दूसरों तक पहुँचाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।